हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय एनके। आज हम जानेंगे एसी और डीसी मोटर को हम कैसे पता करें कि कौन सी एसी और कौन सी डीसी है। तो सबसे पहले हम चार तरीके से इसको डिफरेंस को पता कर सकते हैं। नंबर एक, मोटर की स्ट्रिप देख के, जिसको हम फिंस भी बोलते हैं, जो कि एसी मोटर पे होती है और डीसी मोटर पे नहीं होती है। डीसी मोटर एकदम प्लेन आपको दिखाई देगी और एसी मोटर जो होगी उसके जो बॉडी होगी उसके ऊपर आप देखोगे तो उसमें फिन्स टाइप स्ट्रिप होंगी, ठीक है। और दूसरी होती है कूलिंग फैन, जो कि हमारे एसी मोटर में लगा हुआ होता है। आपने देखा होगा पीछे की साइड में, आप जब देखोगे एसी मोटर तो उसके पीछे की साइड में एक कूलिंग फैन लगा होता है, ठीक है। जो और कम आप जब देखोगे एसी मोटर में, सॉरी डीसी मोटर में, उसमें वो फैन नहीं होता है, है ना। तो सेकंड ये हो गया। थर्ड इज, एसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए उसके लिए एक स्टार्टर लगाते हैं, जैसे कि ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा, है ना। उसके पास में हम ये स्टार्टर लगाते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है। सब लोग जो टेक्निकल होते हैं वो इस स्टार्टर के बारे में जानते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम डीसी मोटर की बात करें तो उनके स्टार्टर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होते हैं, बहुत ही अलग तरीके के होते हैं आप देखोगे तो एक उससे भी हम पता कर सकते हैं। और तो बॉक्स या टर्मिनल प्लेट, ठीक है। तो जो एसी मोटर जो होती है हमारी, उसमें आप देखोगे तो आपके प्लेट जो होगी वो सिक्स टर्मिनल या सिक्स पॉइंट होंगे उसमें, तो जो कि एक समान और एक मोटाई में उसके होंगे। तो इसका मतलब है कि जो छह टर्मिनल है और एक समान है तो वो एसी मोटर है ना। और अगर हम बात करें कि डीसी मोटर में भी अगर छह टर्मिनल हैं तो फिर हम जो डीसी मोटर होगी उसमें जो चार टर्मिनल होंगे वो पहले चार जो होंगे वो एक समान, एक मोटाई और एक जैसे होंगे, बाकी दो जो होंगे वो उनसे पतले होंगे। तो हम पता कर सकते हैं कि ये डीसी मोटर है। और जो सेम टर्मिनल सेम टाइप के हैं छः के छः, तो वो एसी मोटर है। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड